हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं शंकर आईएएस एनवायरनमेंट का चैप्टर 10, जो कि है इंडियन बायोडायवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप। इस चैप्टर में कई पार्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और कई पार्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट कीजिए कि उतना ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रिलिम्स और मेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के कुछ मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से है। इंडिया पूरे वर्ल्ड के लैंड का 2.4% एरिया रखता है, लेकिन यहाँ पे करीब करीब टोटल स्पीसीज के करीब 7% स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, और उसके कंट्रास्ट में 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इंडिया में कई बायोडायवर्सिटी के हिसाब से कई रीजन्स हैं, उन रीजन को कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहले तरीके से देखा जाए तो इंडिया में 2 रियल्म्स हैं, फिर 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेज हैं। हम इनको डिटेल में अब देखते हैं। रियल्म क्या होती है? बायोजियोग्राफिक रियल्म जो होती है वो एक बड़ा रीजन होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं उनमें प्लांट और एनिमल लाइफ या कोई भी बायोलॉजिकल लाइफ जो है सिमिलर टाइप की होती है। यानी कि मान लीजिए कोई अगर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, मान लीजिए ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है और उसका मान लीजिए ये एक रीजन है, इस रीजन में जितने भी इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के भी इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं उनमें अगर जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे लगभग एक टाइप के ही पाए जा रहे हैं, तो उस पूरे रीजन को हम कह सकते हैं एक रियल्म। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में 2 टाइप के रियल्म पाए जाते हैं, और आमतौर पर रियल्म जो होता है वो कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट साइज का होता है, और जियोग्राफी के फीचर लगभग सेम टाइप के होते हैं, फ्लोरा फाना भी लगभग सेम टाइप के होते हैं। इंडिया में भले जियोग्राफिकल रीजन काफ़ी डाइवर्स हैं, लेकिन उनको हम 2 टाइप के रियल में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट और एनिमल लाइफ पाई जाती हैं वो लगभग एक टाइप की होती हैं इन जगहों पे। तो पहला जो रियल्म है वो है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में जो रियल्म पाई जाती है उसका नाम है पैली आर्कटिक रियल्म होगी। उसके अलावा जो बाकी हिमालयन रीजन यानी कि हमारे नदन मोस्ट पोर्शन ऑफ द कंट्री के अलावा बाकी सारा जो हिस्सा बचा है वो गया सेंट्रल प्लेन्स और हमारा डेक्कन प्लेटू, उन सारे रीजन को हम मलायन रियल में रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड में कितनी टाइप की रियल्म्स होती हैं? 8 टाइप की रियल्म होती हैं, जो आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रियल्म का जो डिफरेंट मैप है प्लेट्स के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है इंडिया में बायोम्स कौन कौन सी हैं। बायोम क्या होती है? बायोम में ये प्लांट और एनिमल जो कि एरिया में खास क्लाइमेटिक पैटर्न में पाए जाते होंगे उन टाइप के कलेक्शंस को हम बायोम कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे हमने एक चैप्टर में पढ़ा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कि खास टाइप के प्लांट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट के प्लांट जो हैं अलग टाइप के होते हैं, तो ये सारे ना अलग अलग टाइप के बायोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायोम में क्या होता है कि एक खास टाइप के बायोम में कुछ खास टाइप के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। एनिमल तो वेरी कर भी सकते हैं, लेकिन बायोम्स में जो प्लांट होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक उनके टाइप के होते हैं। हम अगर देखें इंडिया में कितने टाइप के बायोम्स होते हैं, इंडिया में 5 बायोम्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट। ठीक है, हमने ये देखा किन किन रीजन्स में होता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद आ जाता है ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसीडुअस फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मानसून फॉरेस्ट, फिर वार्म डिजर्ट्स एंड सेमी डिजर्ट जो कि हमारा वेस्टर्न इंडिया पाया जाता है, कोनिफेरस फॉरेस्ट ये अधिकतर पाए जाते हैं हमारे हिमालयन रीजन में, उसके बाद अल्पाइन मीडो ये भी हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा बायोम्स। फिर आ जाता है बायो जियोग्राफिक जोन्स में देखिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो पहला तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और जियोग्राफी, इन दोनों को मिलाने से बायो जियोग्राफिक जोन बन जाती है। तो इसका सिंपली यही मतलब है कि जिस टाइप की जियोग्राफी होगी उसी के लिए अडाप्टेड
बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स पाई जाती होंगी इन रीजन में, तो कंट्री में बहुत ज़्यादा टाइप की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन जियोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल पाए जाते होंगे। तो इस कैटेगराइजेशन के बेसिस में इंडिया में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला है, आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे सारे ये जो सारे 10 टाइप के हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कीजिए, नाम का बाद में जो नंबर है ये वाला नंबर, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। तो पहला जो है वो आ जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज ये एक्सटेंशन है तिब्बतन प्लेटू का, लद्दाख का, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में है जो उसका, ये करीब 5.7% हमारे कंट्री का लैंडमास है। फिर आ जाता है हिमालयन। अब देखिए ट्रांस हिमालयाज ये है और हिमालयाज ये वाला रीजन है नंबर टू, ठीक है। और हिमालयाज जो है यहाँ पर भी थोड़ा पाया जाता है, ट्रांस हिमालयाज थोड़ा सा यहाँ पाया जाता है, और इसी तरीके से हिमालय ये जो यहाँ पे हिमालयाज है एक्सटेंड करता है और कंट्री में ये रीजन भी कवर करता है। तो इस तरीके से हो गया हिमालयाज, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये उसके ऊपर ये ट्रांस हिमालयाज है। तो अब हम देखेंगे हिमालयाज, ये इंटायर माउंटेन चेन ही होती है हमारे, और यहाँ पे खास टाइप के माउंटेन टाइप के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ पे 7.2% ऑफ कंट्रीज लैंडमास कवर करता है। फिर आ जाता है डेजर्ट, जो कि वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली हिल रेंज के वेस्ट की सारी चीज़ें हैं, जो कि गुजरात और राजस्थान पाए जाती हैं, करीब 6.9% कंट्री का लैंडमास है। फिर आ जाता है सेमी एरिड रीजन, ये वो जोन है जो कि वो जो डेजर्ट वाली जोन थी और डेक्कन प्लेटू इसके बीच में पाई जाती है, और इनमें अरावली हिल रेंज आती है, करीब 15.6% कंट्री का लैंडमास ये कवर करता है। फिर आ जाएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को आप यहाँ मैप में देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में भी एक चीज़ है, वेस्टर्न घाट में एकदम से जो कोस्टल जोन है उसको हम वेस्टर्न घाट में नहीं कंसीडर करते हैं। अगर आप फिगर को थोड़ा जूम करके देखें, जो कि बहुत फिगर क्लियर नहीं है, तब भी आप हल्का हल्का देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक बाउंड्री, डबल बाउंड्री यहाँ पर है। तो वेस्टर्न घाट में एकदम से जो कोस्ट है वो नहीं आता है, ये आप ध्यान दीजिए। वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अलांग जो भी प्लेन और हिल रेंजेज हैं वो आती हैं इसमें। इसमें ताप्ती रिवर के साउथ के एरिया आते हैं, और ये 5.8% कंट्री का लैंडमास है। फिर आ जाता है डेक्कन पेनिसुला, ये लार्जेस्ट जोन है हमारे कंट्री की, और ये 43% के करीब करीब हमारे कंट्री का लैंडमास ये कवर करता है। फिर आ जाएगा गैंगेटिक प्लेन, यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर गैंगेटिक प्लेन है, ये रहा डेक्कन वाला हिस्सा, गैंगेटिक प्लेन है ये 7 नंबर। अब ये रिलेटिवली होमोजीनियस है, काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है, प्लेन है अधिकतर, ठीक है। एलिवेशन बहुत ज़्यादा, रिलीफ चेंज बहुत कम है यहाँ पे, 11% के करीब कंट्री का लैंडमास है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्लेन है और इसमें कई प्लेन्स होते हैं, उसके अलावा नॉन हिमालयन हिल रेंजेज होती हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन आ जाता है 5.2% के करीब, ये कंट्री का लैंडमास क्रिएट करता है। इसके बाद आ जाते हैं आइलैंड्स, आइलैंड में आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ये 0.03% ऑफ कंट्री लैंडमास। इनमें हम लक्षद्वीप को यानी लक्षद्वीप को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो कहाँ आता है कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों आते हैं, हमने देखा था ईस्टर्न कोस्ट ये हो गया, वेस्टर्न कोस्ट ये वेस्टर्न घाट के बराबर का एरिया जो यहाँ कहीं समुद्र के पास है, ठीक। उसके अलावा लक्षद्वीप भी इसी में आ जाता है। अब जियोग्राफी को दो तरीके से हम, बायोजियोग्राफी को दो पार्ट में बांट सकते हैं, फाइटियो जियोग्राफी यानी प्लांट वाली जो भी जियोग्राफिकल रीजन्स है, यानी कि जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से किस टाइप से प्लांट पाए जाते हैं, और जियो जियोग्राफी यानी जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से किस टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेज। बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेज क्या होती है, ये एक इको सिस्टमेटिक या बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रियल्म है। इसका क्या मतलब, जो हमने अभी रियल्म देखा है बायो जियोग्राफिकल रियल्म्स, उन्हीं का ये सब पार्ट है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे है सब पार्ट, और ये जो हमने यहाँ पर देखा बायोजियोग्राफिक जोन्स है इन्हीं का सब पार्ट है। 10 टाइप की बायोजियोग्राफिक जोन्स है, इन्हीं में कुछ कुछ सब पार्ट होंगे, जैसे हमने अभी डिटेल में देखा था कि तिब्बतन प्लेटू भी था, लद्दाख था, तो ये डिफरेंट टाइप के
प्रोविंसेज का निर्माण करेंगे बायोजियोग्राफिक जोन्स के अंदर ही। तो यानी बायोजियोग्राफिक जोन्स के ये सब पार्ट्स हैं, इनमें इकोसिस्टम जो है वो वेरी करता है। तो यही एक इसका वो है, क्या नाम है, कंट्रास्टिंग फैक्टर है। तो गिवन बायोजियोग्राफिक जोन में डिफरेंट बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेज पाई जाती हैं। आपको बहुत डिटेल में इस सेक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब बस दिमाग बैठा लीजिए कौन कौन से रीजन आते हैं। जैसे हमने अभी ट्रांस हिमालय देखा, उसमें लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेटू और हिमालय ऑफ सिक्किम, ये आते हैं। फिर द हिमालय में नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। इंडियन डेजर्ट में थार और कच्छ आ जाते हैं। सेमी एरिड रीजन में पंजाब के प्लेन और गुजरात का राजपूताना आ जाता है। फिर वेस्टर्न घाट में मलाबार प्लेन्स और वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स आ जाते हैं। दक्कन पेनिसुला में सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाते हैं, छोटा नागपुर आ जाता है, ईस्टर्न हाईलैंड आ जाते हैं, सेंट्रल प्लेटू आ जाता है, दक्कन साउथ आ जाता है। और गैंगेटिक प्लेन में दो चीज़ें आ जाती हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन। फिर कोस्टल रीजन में आ जाते हैं वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप। नदन इंडिया में आ जाता है ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। और आइलैंड्स में अंडमान और निकोबार अलग अलग आ जाते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया कितने रीजन्स पाए जाते हैं, कंट्री को किस तरह डिवाइड किया है। अब हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के कौन से प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, तो ये समझने के लिए हमें पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमारे एग्जाम के लिहाज से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कमेंट में रखें कि आपको जानना है किसी पर्टिकुलर रीजन, तो आप बता सकते हैं, उसका अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जो भी क्लासिफिकेशन है कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल किंगडम का हो। तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको बहुत डिटेल में जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो आपके बॉडी में स्पाइनल कार्ड पाई जाती है, जो कि हमारी कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो इसी तरीके से या तो स्पाइनल कार्ड या उसकी जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो नोटोकार्ड, वो जिन किसी भी एनिमल में पाई जाएगी उनको हम कहेंगे वर्टिब्रेट। तो ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है। उसके अलावा आपने फिशेज में भी देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी होती है, बर्ड्स में भी होती है, रेप्टाइल्स में भी होती है, उसी तरह एम्फीबियन यानी मेंढक वगैरह में होती है। ये सारे वर्टिब्रेट हो जाते हैं। उनके अलावा जिनमें नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो आमतौर पर वर्टिब्रेट जो हैं वो एडवांस एनिमल्स होते हैं, और इनवर्टिब्रेट थोड़ा लोअर अनएडवांस्ड एनिमल्स होते हैं, यानी इवोल्यूशन में वो पहले आए और हम बाद में आए, वर्टिब्रेट जो हैं बाद में आए। तो इंडिया में लगभग सारे टाइप के वर्टिब्रेट पाए जाते हैं और लगभग सारे टाइप के इनवर्टिब्रेट भी पाए जाते हैं। ये सारे डिटेल आपको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है प्लांट डाइवर्सिटी में 10th इन द वर्ल्ड है, 4th इन द एशिया है। करीब 11% ऑफ द वर्ल्ड नोन फ्लोरल डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, 11% फूल इंडिया में लगभग पाए जाते हैं। फ्लोरल ये कह सकते हैं प्लांट की डाइवर्सिटी। अब प्लांट के भी डिफरेंट डिवीजन्स हैं, तो ये सारे डिवीजन आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। देखिए प्लांट किंगडम जो है, यानी कि सारे टाइप के प्लांट, उनमें सबसे बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसे प्लांट हो सकते हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप प्लांट हो और थोड़ा एक मॉडर्न टाइप के, प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स में जिनको अब उतना प्लांट माना भी नहीं जाता है, उनमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। इतना प्लांट जैसे दिखते नहीं, इनमें कुछ बैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अधिकतर एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन जो सारे एडवांस प्लांट हैं उनमें भी दो टाइप के प्लांट हो जाते हैं, वैस्कुलर प्लांट और नॉन वैस्कुलर प्लांट और वैस्कुलर प्लांट। नॉन वैस्कुलर प्लांट का क्या मतलब हो गया, वो प्लांट जिनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है जो पानी को या पानी के साथ मिनरल्स को जमीन या कहीं से भी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाता हो। जैसे हमारे ट्रीज और प्लांट्स में होता है कि ज़मीन से वो मिनरल और पानी लेते हैं और अपने काफ़ी ऊपर लीव्स फ्लावर तक पहुँचाते हैं, जिनमें ये सिस्टम नहीं पाया जाता है तो वो प्लांट इरेक्ट नहीं होंगे, वो इस तरीके से ज़मीन पे से छिछले हुए पड़े होंगे। मैं लताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप की जो लताएं होती हैं वो भी एडवांस वैस्कुलर प्लांट ही है, लेकिन ये काफ़ी छोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत छोटे बारीक होते हैं, छोटे से, इसको आप एक अंगूठे के नेल के साइज तक देख सकते हैं आमतौर पर, कभी कभी इससे थोड़े बड़े भी होते हैं। जैसे आप दीवार पर डिफरेंट टाइप की मॉस वगैरह देखते हैं वो इनमें आते हैं, तो जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उनमें हो जाते हैं ब्रायोफाइट, और जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है उनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको डिवाइड किया जा सकता है उनके स्पोर के बेसिस पे। अगर उनका प्रजनन जो है स्पोर एक
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसा होता है, वो प्रजनन करने का मत है, हवा या पानी के साथ वो उड़ के जाता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित कराता है। जैसे आजकल प्लांट में, जो मॉडर्न प्लांट में सीड्स होती हैं, सीड को डिफरेंट एनिमल, प्लांट, एयर या अन्य कोई जैसे बर्ड्स हो गई या कोई इंसेक्ट हो गए, हवा के साथ पानी के साथ सीड्स दूर दूर तक जाती हैं। वैसे ही ये प्रिमिटिव फॉर्म स्पोर होता था, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, काफ़ी बारीक होता है, इसको देखा नहीं जा सकता इस तरीके से। तो अगर स्पोर्स के थ्रू होता है तो उनमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। टेरिडोफाइट वो होते हैं जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं फेदर पंख जैसी होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है फर्न। फर्न में आपने देखा होगा पत्तियाँ जो हैं ऐसे ऐसे काफ़ी होती हैं। तो आप इतना डिटेल में ना भी जाने तो कोई बड़ी बात नहीं। तो फर्न हो गया। उसके अलावा जिनमें सीड होती है, सीड में दो टाइप के आते हैं, एक जिनमें फ्लावर नहीं बनता और एक जिनमें फ्लावर बनता है। और उनका एक और ख़ास बात है, अगर फ्लावर नहीं बनता है तो उनमें जब सीड बनेगी ओपनली बनेगी, और अगर उनमें फ्लावर बनेगी तो फ्लावर से फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर सीड पाई जा रही होगी। तो जिनमें फ्लावर और फ्रूट पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। और जिनमें नहीं पाए जाएंगे फ्लावर और जिनमें सीड जो है ओपनली पाई जाएगी, वो जाएंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में बहुत से प्लांट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइकस, एक तरीके से बड़ा प्लांट भी होता है, कई बार इसके छोटे वेरियंट को हम सजावट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पाइनस भी होता है, पाइनस का कोन आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। आप गूगल पे सर्च करके इनका फिगर देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और एंजियोस्पर्म में हमारे लगभग सारे फ्लावरिंग प्लांट, आम से लेके गेहूं, चावल, मक्का, आपका सरसों, या कोई भी जो मॉडर्न सारे आपके प्लांट हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी। अब ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बता दिया है, कोई बहुत जानने की जरूरत नहीं डिटेल में। लाइकेन क्या होता है ये जान लेते हैं। लाइकेन जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इसमें एक एल्गल पार्टनर होता है, एल्गी होता है, और एक फंगस होता है। ये दोनों मिलके एक दूसरे का फायदा करते हैं और इस तरीके से लाइकेन बन जाता है। एल्गी क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है लाइट लेके, तो खाना बनाता होगा। और इसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता होगा, जो फंगस है वो चीज़ों से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, तो ये रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और ये जो है लाइट से फोटोसिंथेसिस ले लेता है और क्या बन जाता है, खाना बन जाता है। और इस तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और ये रिलेशनशिप है सिम्बियोसिस का। इसके अलावा लगभग हमने सारा देख लिया। अब इंडिया में काफ़ी एंडेमिज्म पाई जाती है, कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक प्लांट्स हैं। उसके अलावा ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में भी काफ़ी एंडेमिक प्लांट्स हैं। नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखें तो इंडिया में बहुत से क्रॉप्स की वराइटीज़ पाई जाती हैं। क्रॉप क्या होती हैं, वो सारे प्लांट जिनको हम ग्रो कराते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उनसे हम फूड लेते हैं और उनको ग्रो करा के, यानी जंगल में लगा हुआ है, उनसे खाना ले लेंगे तो क्रॉप नहीं होगी, उनको हम कल्टीवेट कराएंगे तो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप हैं इंडिया में बहुत सी होती हैं, कुछ तो वाइल्ड टाइप ही होती हैं जिनको हम जंगल से डायरेक्टली हमने लिया है और हम उनको ग्रो कराते हैं। जैसे कोदो मिलेट और बहुत टाइप के मिलेट हैं जिनको आज भी हम लगभग उसी फॉर्म में ग्रो कराते रहे हैं जैसा वो नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, तो वाइल्ड टाइप है। उसके अलावा कल्टीवार्स, यानी कि कल्टीवार मतलब कल्टीवेशनल वराइटीज, यानी हमने उनको समय समय पर इम्प्रूव किया है, ब्रीडिंग कराई है और उनके डिफरेंट फॉर्म्स बना लिए हैं, डिफरेंट टाइप के नए वराइटीज बना ली हैं और हमको ग्रो कराते हैं, चाहे वो ब्रीडिंग टेक्निक से, चाहे सिलेक्शन या कोई अन्य बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से हमने उनको बना लिया। तो ये सारे टाइप के जेनेटिक डाइवर्सिटी जो क्रॉप की हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं। और इंडिया में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि दिल्ली में है, ये क्या करता है, इन सारे टाइप के क्रॉप के जेनेटिक डाइवर्सिटी को सीड के यूजुअली फॉर्म में अपने पास रखता है, उनका डेटा बैंक रखता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि उस सारे के सीड को थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है ताकि उसकी स्टडी की जा सके, उनमें क्या क्या जेनेटिक विविधताएँ हैं। अब लाइफ स्टॉक जेनेटिक डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के लिए या अन्य किसी यूजफुल वर्क के लिए, जिनमें इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बफेलो यानी भैंस को पालता है, सेकंड नंबर पे कैटल और गोट्स इंडिया में पाए जाते हैं,
थर्ड वर्ल्ड में इंडिया सीप पालता है, फोर्थ लेवल पे डक का माउंट है, फिफ्थ लेवल पे चिकन, और सिक्स्थ लेवल पे इंडिया में कैमल्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में। वाइल्ड लाइफ कैसी है इंडिया की, ये सारी चीज़ें उन्होंने वाइल्ड लाइफ में एक्चुअली प्लांट लाइफ कहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्लांट का है। तो हिमालयन फुट हिल में अधिकतर ग्रीन प्लांट और सेमी एवरग्रीन प्लांट पाए जाते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा दिया, वहाँ ज़्यादा डिटेल्स है, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं हिमालयन फुट हिल में, जिनमें साल, सिल्क कॉटन ट्रीज, जाइंट बम्बूज, टाल ग्रासी मीडोज़ एक टाइप का ग्रासलैंड होता है, और फिर आ जाता है सवाना भी, जो हिमालयन तराई रीजन में पाए जाते हैं। सवाना भी एक टाइप की ग्रासलैंड है। इनमें क्या डिफरेंस है वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पाया जाता है, ड्वार्फ हिल बम्बू यहाँ पाया जाता है, फिर बर्च और अल्पाइन पास्चर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ईस्टर्न हिमालयाज में ओक्स पाए जाते हैं, मैग्नोलियाज पाए जाते हैं, लॉरल्स पाए जाते हैं, बर्च, मॉस, फर्न, कोनीफेरस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं डिफरेंट, जिनमें पाइन, फर, यू, जूनिपर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा रोडोडेंड्रॉन भी पाए जाते हैं, ड्वार्फ बम्बूज, लाइकन, मॉस, ऑर्किड, डिफरेंट टाइप के ऑर्किड और रोडोडेंड्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एपिफाइट्स भी काफ़ी पाए जाते हैं। एपिफाइट का क्या मतलब होता है, ट्री होता है, ट्री के सहारे कोई प्लांट चढ़ के इसके ऊपर ग्रो कर जाता है, तो अन्य प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में काफ़ी पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें देखिए रोडोडेंड्रॉन है और ऑर्किड हैं और अन्य एपिफाइट्स हैं, ऑर्किड भी एक टाइप का एपिफाइट ही है, तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में एपिफाइट्स कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो है आंसर ईस्टर्न हिमालयाज में। अब पेनिसुलर इंडियन सब रीजन की बात करें तो पेनिसुलर इंडिया में दो जोन्स हैं, एक तो जो कि गंगा रिवर सिस्टम के पास का रीजन है, और उसके अलावा दूसरा जो है जो कि डेजर्ट रीजन है राजस्थान के आसपास का। पेनिसुलर इंडिया में पाए जाते हैं साल जो कि नॉर्दर्न साइड में है, और ईस्ट और ईस्टर्न एक्सटेंशन पाया जाता है, टीक पाया जाता है सदर्न प्लेटू में, और ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान और अरावली में जो ट्री होते हैं काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं, और वहाँ पे थारनी स्क्रब यानी कटीली झाड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो राजस्थान वगैरह में देखें तो डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं, पेड़ काफ़ी दूर दूर होते हैं और कटीले झाड़ियाँ हैं काफ़ी पाई जाती हैं, और इनमें ओपन सवाना टाइप के ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। सवाना में आप देखें क्या होगा कि ड्राई ग्रासेज होती हैं, दूर ड्राई ग्रासेज का मैदान होता है, सूखी घासों का एक बड़ा मैदान होता है, और काफ़ी दूर दूर पेड़ लगे हुए होते हैं। अब इंडियन डेजर्ट भी इसी का एक पार्ट है, जिनमें थॉर्नी ट्रीज विथ रिड्यूस लीफ यानी कि वो कटीले पौधे जिनमें काफ़ी छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, आमतौर पे पत्तियां जो हैं कांटों का रूप ले लेती हैं, हम ये सारा डिटेल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कैक्टस पाया जाता है और अन्य सकुलेंट प्लांट पाए जाते हैं। सकुलेंट प्लांट में क्या होता है, उनकी लीफ और स्टेम काफ़ी जूसी हो जाती है, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होती है, जैसे एलोवेरा आपने देखा होगा, कैक्टस देखा होगा, तो उसका स्टेम और लीफ जो है काफ़ी जूसी हो जाती है, और उनमें जेल जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, वो पानी को बचाने का एक तरीका है। अब हो जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और इनमें बीच बीच में डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्जेज ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती हैं, यानी कि देखिए वैली टाइप के रीजन्स होंगे जहाँ पे काफ़ी ग्रासेज होंगे, और कहीं कहीं बीच में डेंस फॉरेस्ट होंगे जो कि एवरग्रीन होंगे। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सोला रीजन्स भी कहते हैं, जो कि नीलगिरी में पाया जाता है। सोला जो है उसके अलावा अनाई मलाई और पलानी हिल्स में भी पाई जाती है। यहाँ पे मॉसेज जो होती हैं, फर्न्स डिफरेंट टाइप की एपिफाइट्स, ऑर्किड, लियानाज और वाइन्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लियानाज और वाइन्स एक टाइप की लता जैसी ही हैं, जो लताएँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एबोनी ट्रीज होते हैं, और चूंकि ये काफ़ी रेन फॉरेस्ट डेंस रेन फॉरेस्ट है, जिसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, हमने ये भी देखा था पहले, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब प्लांट जो है डिफरेंट लेयर में पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है इससे प्लांट जो है काफ़ी
न्यूट्रिएंट तो नहीं सॉइल में होता है, लेकिन उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है सॉइल में, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग काफ़ी फास्ट होती है, तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो बड़े वाले ट्री हैं इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं, उसके बाद जो स्मॉल ट्री हैं ये लेयर बना लेते हैं, फिर जो श्रब्स हैं इस तरीके से लेयर बना लेती हैं, हर्ब्स लेयर बना लेती हैं। तो इस तरीके से हम पूरे जंगल में देखें तो बड़े प्लांट छोटे प्लांट इसकी कई लेयर्स हो जाती हैं, इसी लेयर को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अब आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनमें मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे जायंट डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया, लैंगरस्ट्रोमिया और मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव पाए जाते हैं, उसके अलावा ये सारी जो स्पीसीज हैं उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेलिया वैसे मेनली अर्जुन जो प्लांट होता है जो सड़क के किनारे होता है उसकी ही जीनस का नाम है, ठीक है। अब आ जाता है जो कि मैनग्रोव की दलदल जो कि सुंदरबन रीजन में पाई जाती है। इनमें काफ़ी टाइप के मैनग्रोव पाए जाते हैं, इंडिया में काफ़ी एक्सटेंसिव मैनग्रोव के जो स्वैम्प्स पाए जाते हैं जिनमें कई स्पीसीज हो सकती हैं, आपको स्पीसीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कई स्पीसीज का जो यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखा है वो भी गलत है, तो आपको फिनिक्स का मतलब तो वैसे खजूर होता है, खजूर प्लांट, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखा जाए कि डिफरेंट टाइप के मैनग्रोव स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे सोने रेसिया, एविसिनिया, राइजोफोरा, ब्रुगेरिया, एग्जेसेरा और फिनिक्स पाम जो होती हैं खजूर के प्लांट बीच बीच में पाए जाते हैं। तो यही ओवरऑल कहा गया। तो ये चैप्टर हमने देख लिया टोटल, और इसमें सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, थैंक यू।